आज हम बात करेंगे कोलन कैंसर के बारे में, जिसको हम कोलोरेक्टल कैंसर भी बोल देते हैं। इसके बहुत सारे पेशेंट हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, जिनको कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है। उन्होंने बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट ले लिया है, आयुर्वेदा के अंदर भी, होम्योपैथी के अंदर भी, एलोपैथी के अंदर भी। तो उनका ट्रीटमेंट ना होने का एक कारण है, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथी या आयुर्वेदा के अंदर जैसे हल्दी किसी भी कैंसर को रोक देगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। रिसर्च जो हुई है, हर एक खाने वाली चीज़ का, चाहे वो देसी है चाहे परदेसी है, एक खास हिस्से पे असर होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो हर जगह फिट हो जाएगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पर लेकर आते हैं कि कौन सी ऐसी आयुर्वेदा या नेचुरल हर्ब है, या ऐसी कोई घर में पड़ी हुई चीज़ें हैं, वो कौन से कैंसर को ठीक करेगी, कौन से कैंसर को नहीं ठीक करेगी। तो आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। जो इस चैनल पर नए हैं वो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हेल्थ रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, वो रिसर्च लेटर में जो छप चुकी है, जो वर्ल्ड वाइड ऑथेंटिक सोर्सेस में आ चुकी है, वहीं से हम इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो कोलन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में जो रिसर्च हुई है, नेचुरल सब्सटेंस के बारे में, वो पाया गया है कि जो 5-FU एक कंपाउंड है, जो एज ए कीमोथेरेपी यूज किया जाता है एलोपैथ के द्वारा, कंपाउंड है जो नेचुरल हर्ब्स हैं, ये 5-FU के 70% तक काम कर जाती हैं। ये जो नेचुरल हर्ब हम बात करेंगे, और ऊपर से इन हर्ब्स की एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि ये रेजिस्टेंट नहीं होने देती। जैसे कि 5-FU जो आप कीमोथेरेपी लगवाते हो हॉस्पिटल में जाके, इसकी बॉडी आदी हो जाती है, इसकी रेजिस्टेंस हो जाती है, ये काम करना बंद कर जाती है कीमोथेरेपी। पर ये नेचुरल हर्ब्स के अंदर ऐसा नहीं है। तो कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर मेन एम हमारा क्या है कि रिड्यूस टॉक्सिसिटी है, कैंसर की टॉक्सिसिटी को कम करना है, हानिकारक प्रभावों को, कैंसर या उसकी जो फैलने की स्पीड बढ़ रही है उसको रोकना है हमने मेडिसिन से। एपोप्टोसिस है, कैंसर को ख़त्म करने वाला ट्रीटमेंट हमने शुरू करना है हर्ब से, ऐसी हर्ब हमें चाहिए। एक्सपेंशन है, ये आसपास के हिस्सों, लेवर, हार्ट और किडनी में ना चले जाए, ऐसे रोकना है। तो ये चार मेन एम होते हैं नेचुरल हर्ब्स के, जो हम करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें जो हर्ब्स रिसर्च हुई हैं, उनमें क्या दिखा गया, वो क्या करती क्या है, वो है जो कैंसर का स्टेम सेल्स है, ये हर्ब्स डायरेक्टली उसको कंट्रोल करती हैं, और जो इंटरस्टीशियल ग्रोथ फैक्टर है, ये हर्ब्स उसको कम करती हैं, और दूसरा जो SCCT है 116 है, ये उसको लोअर करती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं इन तीनों हर्ब्स की, जो कैंसर को ठीक करते हैं। जब किसी को ये तीनों चीज़ों को जो लोअर करेगा, कम करेगा, वो मेडिसिन सबसे बेस्ट होगी। तो सबसे पहले एम्बेलिका फ्रूट है, ये देखा गया कि ये तीनों चीज़ों के ऊपर काम करती है। टर्मिनेलिया चुबेला है, ये भी इन तीनों चीज़ों को कम करती है। जो इन तीनों चीज़ों को कम करेगी, वो ही कैंसर को ठीक करेगी और कैंसर को आगे फैलने से रोकेगी। टर्मिनेलिया बेलरिका है, ये भी एक तरह का हर्बल कंपाउंड है, ये भी इन तीनों चीज़ों को कम करता है। अब बात यहाँ पे आ गई कि इन तीनों का पाउडर लेना है, पानी में लेना है, या क्या लेना है। रिसर्च में देखा गया है कि इसके 3 से 5 सॉल्यूशन के अंदर, इसको 3 से 5 तरीकों के अंदर तैयार किया गया था। एक है मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट, एक था इथेनोलिक एक्सट्रैक्ट, एक था एक्वियस कंपाउंड। इन तीन टाइप्स के जो कंपाउंड हैं, और इसके बिना दो और भी टेस्ट किए थे, सबसे ज़्यादा पावर है मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट में है, कैंसर प्रिवेंटिव जो पावर है कोलोरेक्टल कैंसर में, तो मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट है। और ये सारे एक्सट्रैक्ट के अंदर पावर है, पर हायर पावर है वो है मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट के अंदर। तो मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट क्या करता है, इसको सप्रेस कर देता है जो कैंसर फैलाने वाले सेल्स हैं बॉडी के अंदर, उन सेल्स को ये दबा देता है, और दबाने के बाद उनको ठीक करना शुरू कर देता है। ये तीनों चीज़ें हैं जो हर्बल कंपाउंड है। ये करते क्या हैं, ये कैंसर में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलती हैं CMYC और साइक्लिन D1 प्रोटीन, ये उसको सप्रेस करते हैं। अगर ये प्रोटीन एक बार में सप्रेस हो जाए, या इसको हम किसी तरीके से कम कर लें, तो कोलोरेक्टल कैंसर के काफ़ी हम सप्रेस कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और उसको क्योरेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं।
तो ये मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है, ये इन दोनों प्रोटीन को सप्रेस कर देता है। इन दोनों प्रोटीन को सप्रेस करने की वजह से ही ये कैंसर को, कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर 70% तक इम्प्रूवमेंट कर सकता है। जैसे 5FU करती है, ये एक तरह का कीमोथेरेपी इंग्लिश एजेंट है, पर इससे बॉडी रिजिस्टेंट हो जाती है, ये काफ़ी लंबा समय लेने के बाद बॉडी के ऊपर काम नहीं करता है, पर इधर नहीं है। तो ये मैंने आपको कुछ प्रूफ दिखाए हैं जो रिसर्च में छपे हैं कि ये इन दोनों प्रोटीन को सप्रेस करती है। इन दोनों प्रोटीन को सप्रेस कर लिया, इन तीनों चीज़ों को हमने कम कर लिया, तो कैंसर के अंदर 70% तक इम्प्रूवमेंट देखी गई है कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर। तो उसके बाद इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, कि कैसे लेनी है क्वांटिटी और तैयार कैसे करना है। क्वांटिटी ऑफ वेरी है अकॉर्डिंग टू कैंसर कंडीशन, कैंसर कौन सी स्टेज में है, कहाँ पड़ा है, कहाँ तक फैल गया है, उसके हिसाब से हम इसकी क्वांटिटी चुनेंगे। उसके बाद है कि फाइबर क्या देखा गया, कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर फाइबर हेल्प करते हैं तो फाइबर हेल्प नहीं करते हैं, उनका कोई खास बेनिफिट नहीं होता। फूड्स हैं जो कोलोरेक्टल कैंसर को बढ़ा देते हैं, वो है फर्मेंटेड फूड है, जैसे ब्रेड है, डबल रोटी है, बिस्कुट है, पनीर है, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, हार्मोन जो ज़्यादा बढ़ाती हैं, अल्फा अल्फा टॉनिक है, ऐसे सोयाबीन है, कॉर्न है, ऐसे फूड कैंसर को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। शुगर जो ज़्यादा ले रहे हैं उनको बंद करनी पड़ेगी, शुगर जैसे चावल और आलू कार्बोहाइड्रेट से शुगर बनती है तो ऐसे सब्सटेंस बंद रखने हैं। कुछ मेडिसन्स भी हैं जैसे खून पतला करने वाली मेडिसन होगी, हार्ट की मेडिसन होगी, एंटासिड मेडिसिन जो होगी वो भी कैंसर की कंडीशन को वर्स बनाती है। तो होप है आपको ये साइंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड वीडियोस अच्छी लगी होगी। ये तीनों के ऊपर रिसर्च हुई है तभी ये पब्लिश हुई है उसके बाद रिसर्च होने के बाद, और ये 70% तक कैंसर के, कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट को ये इम्प्रूव कर देती है आराम से, और इससे भी बढ़िया बेस्ट रिजल्ट इसका पाया गया है एलोपैथी के 5FU से। अगर ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आकर आप कैंसर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया है, PCOD है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, लिवर कैंसर है, कोलन कैंसर के बारे में और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, सेक्सुअल वीकनेस के बारे में, मेल हेल्थ, थायराइड, हार्मोन, सभी के ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं। तो इस चैनल को आप रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर किसी के आसपास में ऐसा कोई कैंसर है, जो और कोई कैंसर है, वो हर्बल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से कभी भी किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए।